शोभित एक मेधावी छात्र था। उसने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में पूरे जिले में टॉप किया था, पर इस सफलता के बावजूद उसके माता पिता उससे खुश नहीं थे। कारण था पढ़ाई को लेकर उसका घमंड और अपने बड़ों से तमीज से बात न करना। वह अक्सर ही लोगों से ऊंची आवाज में बात किया करता और अकारण ही उनका मजाक उड़ा देता। खैर, दिन बीतते गए और देखते ही देखते शोभित स्नातक भी पार हो गया। स्नातक होने के बाद शोभित नौकरी की खोज में निकल पड़ा। प्रतियोगी परीक्षा पास करने के बावजूद उसका इंटरव्यू में चयन नहीं हो पाता था। शोभित को लगा था कि अच्छे अंक के दम पर उसे आसानी से नौकरी मिल जाएगी, पर ऐसा हो न सका। काफी प्रयास के बाद भी वो सफल ना हो सका। हर बार उसका घमंड, बात करने का तरीका इंटरव्यू लेने वाले को अखर जाता और वो उसे ना लेते। निरंतर मिल रही असफलता से शोभित हताश हो चुका था, पर अभी भी उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे अपना व्यवहार बदलने की जरूरत है। एक दिन की बात है कि रास्ते में शोभित की मुलाकात अपने स्कूल के प्रिय अध्यापक से हो गई। वह उन्हें बहुत ही मानता था और अध्यापक भी उसे बहुत ही स्नेह करते थे। शोभित ने अध्यापक को सारी बात बताई। चूंकि अध्यापक शोभित के व्यवहार से परिचित थे तो उन्होंने कहा कि कल तुम मेरे घर आना, तब मैं तुम्हें इसका उपाय बता दूंगा। शोभित अगले दिन मास्टर जी के घर पहुंचता है। मास्टर जी घर पर चावल पका रहे थे। दोनों आपस में बात ही कर रहे थे कि मास्टर जी ने शोभित से कहा, जाके देख के आओ कि चावल पके कि नहीं। शोभित अंदर गया। उसने अंदर से ही कहा कि सर, चावल पक गए हैं, मैं गैस बंद कर देता हूँ। मास्टर जी ने भी ऐसा ही करने को कहा। अब शोभित और मास्टर साहब आमने सामने बैठे थे। मास्टर जी शोभित की तरफ मुस्कुराते हुए बोले, शोभित तुमने कैसे पता लगाया कि चावल पक गए हैं? शोभित बोला, ये तो बहुत ही आसान था। मैंने चावल का एक दाना उठाया और उसे चेक किया कि वो पका है कि नहीं। वो पक चुका था, तो मतलब चावल पक चुके हैं। मास्टर जी गंभीर होते हुए बोले, यही तुम्हारे असफल होने का कारण है। शोभित उत्सुकतावश मास्टर जी की ओर देखने लगा। मास्टर जी समझाते हुए बोले कि एक चावल के दाने ने पूरे चावल का हाल बयां कर दिया। सिर्फ एक चावल का दाना काफी है ये बताने को कि अन्य चावल पके हैं या नहीं। हो सकता है कुछ चावल न पके हों, पर तुम उन्हें नहीं खोज सकते। वो तो सिर्फ खाते वक्त ही अपना स्वभाव बताएंगे। इसी प्रकार मनुष्य कई गुणों से बना होता है। पढ़ाई लिखाई में अच्छा होना उन्हीं गुणों में से एक है, पर इसके अलावा अच्छा व्यवहार, बड़ों के प्रति सम्मान, छोटों के प्रति प्रेम, सकारात्मक दृष्टिकोण, ये भी मनुष्य के आवश्यक गुण हैं और सिर्फ पढ़ाई लिखाई में अच्छा होने से कहीं ज्यादा जरूरी है। तुमने अपना एक गुण तो पका लिया, पर बाकियों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। इसीलिए जब कोई इंटरव्यूअर तुम्हारा इंटरव्यू लेता है तो तुम उसे कहीं से पके और कहीं से कच्चे लगते हो, और अधपके चावल की तरह ही कोई इस तरह के कैंडिडेट भी पसंद नहीं करता। शोभित को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वो अब मास्टर जी के यहाँ से नई एनर्जी लेके जा रहा था। तो प्रिय मित्रों, हमारे जीवन में भी कोई ना कोई बुराई होती है जो हो सकता है हमें खुद नजर ना आती हो, पर सामने वाला बुराई तुरंत भांप लेता है। अतः हमें निरंतर यह प्रयास करना चाहिए कि हमारे गुड़ों से बना चावल का एक एक दाना अच्छी तरह से पका हो, ताकि कोई हमें कहीं से चखे उसे हमारे अंदर पका हुआ दाना ही मिले।